हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। गाइज अगर आप लोग भी अपने टीममेट्स को रिवाइव करते करते थक गए हो तो गाइज अभी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट से ना गरेने वाले आप लोगों के लिए काफी कमाल का रिवाइवल सिस्टम लाने वाले है। वो क्या है तो गाइज, न्यू अपडेट के बाद आप लोगों का जो वेल्डिंग मशीन है उसके अंदर आप लोगों को एक कार्ड मिलने वाला है जिसका नाम रहेगा सोलो डेयर कार्ड। एंड गाइज ये जो कार्ड है ना, इससे आप लोग अपने टीममेट्स को रिवाइव कर सकते हो, वो भी गाइज बिल्कुल ही फ्री में। जी हाँ गाइज, कोई भी आप लोगों को यहाँ पर FF कॉइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बिल्कुल ही मुफ्त में अपने फ्रेंड्स को रिवाइव कर सकते हो। तो अब कैसे कर सकते हो, तो गाइज ये जो रिवाइवल कार्ड है ना, ये आप लोग जब भी अकेले बचोगे, मतलब आप लोग स्क्वाड में खेल रहे हो एंड आप लोग अगर अकेले बचते हो तभी आप लोग वेल्डिंग मशीन से ये वाला जो कार्ड है उसको परचेस कर सकते हो। एंड जैसे आप लोग इसको परचेस करोगे तो गाइज ऊपर आप लोग देख सकते हो एक टाइमर चालू हो जाएगा, वो टाइमर जैसे यहाँ पर खत्म हो जाएगा उसके बाद में आप लोगों के जो टीममेट्स है वो यहाँ पर रिवाइव हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो टाइमर चालू रहेगा तब तक गाइज आप लोगों की जो लोकेशन है ना वो मैप के अंदर सारे बंदों को शो होगी, मतलब आप लोगों का जो लोकेशन है वो यहाँ पर दिखाई देगा सारे बंदों को। मान लो कि आप लोग उतरते ही मर गए तो मैप के अंदर 40 बंदे अलाइव है, तो 40 से 40 बंदों को आप लोगों की जो लोकेशन है वो यहाँ पर पता लग जाएगी अगर आप लोग ये सोलो डेयर कार्ड का यूज करते हो। तो भाई ये फीचर आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप लोग बताना। मुझे तो भैया काफी बढ़िया लगा, क्योंकि गाइज कभी कभार ना हम लोगों के पास कॉइन होता नहीं है एंड हम लोग अपने फ्रेंड्स को रिवाइव नहीं कर सकते। तो भाई ये सिस्टम आप लोगों को अभी काफी हेल्पफुल होने वाला है नेक्स्ट अपडेट से। इसके अलावा गाइज एक और यहाँ पर चेंज किया है गरेना वालों ने, अगर आप लोग अपडेट के बाद किसी हाई लेवल की जो जगह रहेगी उसके ऊपर कैंप कर रहे होगे, मतलब आप लोग मान लो कि आप लोग यहाँ पर पिक के ऊपर जो हाउसेस है वहां पर आप लोग उतरे एंड आप लोग यहाँ पर कैंप कर रहे हो ना, तो आप लोगों की लोकेशन आपके अराउंड जितने भी एनिमीज रहेंगे उनको यहाँ पर स्पॉट हो जाएगी, उनको यहाँ पर दिखाई देगी। एंड ये फीचर खुद ब खुद गरेना वाले ही फिट करने वाले, ओके आप लोग कोई भी यहाँ पर मतलब इसके अंदर छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। तो ये बेड न्यूज है गाइज कैंपर्स के लिए, क्योंकि कैंपर्स काफी बड़ी बड़ी जगह पर कैंप करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट से एज वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा, मतलब अगर आप लोग 18 साल से कम उम्र के हो तो फिर गाइज आप लोगों को अपने पेरेंट्स का यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा एंड वो नंबर पर आप लोगों को एक OTP आएगा, वो OTP आप लोग जैसे यहाँ पर फिल करोगे एंड ये फॉर्म को आप लोग कंप्लीट करोगे उसी के बाद में आप लोग अपना जो गेम है ना उसको स्टार्ट कर सकोगे, उसके बाद में नहीं कर सकोगे। तो गाइज ये अपडेट होने वाले नेक्स्ट अपडेट से। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर जो प्रोफाइल है उसके अंदर आप लोगों को अभी अचीवमेंट्स के आइकन देखने को मिलेंगे, मतलब जो अचीवमेंट सिस्टम आप लोगों को मिल जाता है उसके जो मिशन है उसके आइकन अभी आप लोग यहाँ पर अपने प्रोफाइल के ऊपर लगा सकते हो, तो ये चेंज होने वाला है गाइज नेक्स्ट अपडेट से। इसके अलावा अभी आप लोग किसी की भी प्रोफाइल को यहाँ पर लाइक कर सकते हो, प्लस उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो कि ये बंदा अच्छा खेल रहा है या फिर ये बंदा मतलब गाली गलौज करता है, तो आप लोग उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो, प्लस आप लोग इसको लाइक भी कर सकते हो। तो ये फीचर गाइज होने वाले नेक्स्ट अपडेट से। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर CS के अंदर एक न्यू एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर जैसे आप लोग इसके पास में जाओगे तो ये जो एयर ड्रॉप है वो यहाँ पर फुल हो जाएगा, देन इसके अंदर से आप लोगों को लूट मिलेगी। तो ये जो एयर ड्रॉप है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर CS के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये अपडेट मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा गाइज आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट से कटाना का किल एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि इस टाइप से आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग नॉकडाउन बंदे के पास जाओगे तो आप लोगों को किल करने का यहाँ पर एक अलग एनिमेशन दिया जाएगा, जैसे आप लोग उसके ऊपर टैप करोगे तो इस टाइप का कुछ एनिमेशन आप लोगों को शो होगा। तो ये कुछ काम का तो है नहीं, आप लोग ऐसे भी बंदे को गन से मार सकते हो, बट आप लोग अगर टाइम पास करना चाहते हो किसी बंदे के साथ तो ऐसे आप लोग उसको कटाना से किल कर सकते हो। इसके अलावा गाइज आप लोगों को यहाँ पर न्यू ट्रेनिंग ग्राउंड भी देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस टाइप से रहेगा। आप लोग अभी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जा सकते हो, ग्राउंड तो नहीं है लेकिन जहां पर आप लोग गन वगैरह परचेस करते हो ना वहां पर आप लोग अभी अंदर भी घुस सकते हो एंड आप लोग एडम्स को मार सकते हो। यहां पर 3 एडम इन्होंने रखे हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहां पर रिसेंट विजिटर का भी ऑप्शन मिलेगा, आप लोग अपने प्रोफाइल के ऊपर जाओगे एंड लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे तो रिसेंट विजिटर का आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप लोग उसके ऊपर टैप करोगे तो आप लोग देख सकोगे कि आप लोगों की प्रोफाइल ने किस किस ने यहां पर चेक किया है, कौन आप लोगों की प्रोफाइल पर विजिट किया है। तो ये अपडेट भी गाइज आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट से मिलेगा। एंड अभी तो गाइज मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी अपडेट्स बताने वाला हूँ, लेकिन गाइज उससे पहले ना मैं आप लोगों को यहाँ पर आने वाली कुछ आइटम्स का रिव्यू करा देता हूँ, जो मैं आप लोगों को कल वाली वीडियो के अंदर नहीं दिखा पाया था, क्योंकि कल वाली वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। तो आप लोग देख सकते हो ये सारी गन स्किन आने वाली है, आप लोगों को नेक्स्ट ओबी अपडेट से मिल जाएगी। ये सारी गन स्किन आएगी, इसके अंदर ग्रेनेड की स्किन भी है, मिली वेपन भी है एंड और भी बहुत सारी आप लोगों को यहाँ पर आइटम्स मिल जाती है। तो सबका रिव्यू आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये सारे गाइज जो अपने वेपन
चांस है वो आप लोगों को मिल जाएंगे नेक्स्ट ओबी अपडेट के अंदर। इसके अलावा गाइज यहाँ पर कुछ न्यू पेट की स्किन भी आने वाली है, जिसके अंदर गाइज अपना फाल्को पेट है, पग पेट है, मुनी पेट है, फिर यहाँ पर कैक्टस पेट है, रोकी पेट है। एंड पर्सनली यहाँ पर बताऊँ तो फाल्को पेट की जो स्किन है वो ब्लैक कलर की होने वाली है, तो ब्लैक कलर मेरा सबसे फेवरेट है। तो भाई देखते हैं कि ये हम लोगों को फ्री में मिलती है या फिर डायमंड के अंदर मिलती है। तो ये कुछ यहाँ पर न्यू पेट की स्किन आने वाली है जो कि आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट के अंदर मिलेगी। एंड यहाँ पर भाई साहब कितने सारे सर्वबोर्ड की स्किन आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग देख सकते हो। इनमें से गाइस कुछ आप लोगों को बुया पासिस के अंदर मिलेगी, कुछ आप लोगों को यहाँ पर टॉपअप इवेंट के अंदर मिलेगी, कुछ आप लोगों को फेडरल के अंदर मिलेगी, कुछ आप लोगों को फ्री इवेंट के अंदर मिलेगी। तो भाई इतनी सारी एंड यहाँ पर काफी कमाल कमाल की सर्वबोर्ड की स्किन आने वाली है जो कि आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट के अंदर मिलेगी। इसके अलावा कुछ यहाँ पर न्यू व्हीकल की स्किन भी है, इसमें से कुछ आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है अपने गेम के अंदर एंड कुछ अभी आना बाकी है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सी आ गई है एंड कौन सी आना बाकी है। तो जो आना बाकी होगी वो आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट के अंदर मिल जाएगी। अच्छा अभी गाइस चलो यहाँ पर मैं आप लोगों को काफी सारे टॉप पार्ट दिखा देता हूँ, मतलब आप लोग जो मतलब टी शर्ट वगैरह जिसको बोलते हो। तो भाई आप लोग देख सकते हो इतने सारे टॉप आप लोगों को मिलने वाले नेक्स्ट अपडेट के अंदर। एंड इसका सेकंड पेज भी है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये सारे आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे टॉप पार्ट। तो भाई ये टॉप होने वाले, इसके अलावा बॉटम भी आप लोगों को इतने ही सारे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बॉटम भी देख सकते हो यहाँ पर, भाई इतने सारे बॉटम्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके भी दो पार्ट है, तो दूसरा पार्ट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये दूसरा पार्ट है। तो भाई ये टॉप एंड बॉटम होने वाले। अब टॉप एंड बॉटम है तो भाई शूज भी आप लोगों को इतने ही मिलेंगे, तो आप लोग देख सकते हो शूज तो भाई टॉप बॉटम से भी काफी ज्यादा है। तो आप लोग देख सकते हो कितने सारे शूज यहां पर इन्होंने रखे। एंड भाई ये तो अभी कम है, इसका भी दूसरा पार्ट है। तो आप लोग देख सकते हो ये सारे यहां पर शूज आने वाले, इसमें से कुछ सैंडल है, कुछ बूट है, कुछ आप लोगों को यहां पर लोफर मिल जाते हैं, कुछ यहां पर आप लोगों को स्लीपर मिल जाते हैं। तो सब कुछ यहां पर मिक्स में है, तो आप लोग देख लेना यहां पर ये सारे आप लोगों को मिल जाएंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर। इसके अलावा गाइस अपना जो पास है ना, उसके बंडल के इफेक्ट है या फिर ये कुछ है आप लोग देख सकते हो, बंडल का ही है लेकिन अभी भुया पास के बंडल का इफेक्ट है या फिर कोई और बंडल का इफेक्ट है वो भी फिलहाल मुझे कंफर्म पता नहीं चला है, लेकिन आप लोग देख सकते हो यहां पर कुछ इफेक्ट आप लोगों को मिल जाता है बंडल के ऊपर। तो ये कुछ इफेक्ट होने वाला है, प्लस यहां पर भुया पास के आइकन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। अपने नेक्स्ट भुया पास है उसके आइकन आप लोगों को इस टाइप के मिलेंगे। अब इसमें से कुछ भुया पास तो अपने गेम के ऊपर आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जो भुया पास आना बाकी है उसके आइकन आप लोगों को इसके अंदर शो हो जाएंगे। तो आप लोग सारे भुया पास के आइकन भी देख सकते हो, प्लस यहाँ पर काफी सारी फेस पेंट की स्किन भी आने वाली है, तो उसका भी आप लोग यहाँ पर रिव्यू देख सकते हो। ये सारी फेस पेंट की स्किन आप लोगों को मिल जाएगी, प्लस यहाँ पर गाइस आप लोगों को कुछ हेड मिल जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मास्क वगैरह एंड ग्लासेस। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो टोपिया वगैरह देखने को मिल जाती है, तो सब कुछ गाइस आप लोगों को यहाँ पर हेड पार्ट के अंदर मिलेगा। तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे हेड पार्ट अपने होने वाले, सॉरी हेड पार्ट होने वाले। एंड इसके अलावा गाइस अभी फाइनली मैं आप लोगों को कुछ अवतार बैनर दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कितने सारे भाई अवतार आप लोगों को मिल जाते हैं। एंड ये तो अभी कम है, और भी अवतार है, आप लोग देख सकते हो ये सारे अवतार आप लोगों को मिल जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा तो भाई अपने CS एंड BR के रैंक सीजन के ही होने वाले हैं, तो ये सारे आप लोगों को अवतार मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ बैनर्स भी है, तो बैनर्स भी इतने ही होने वाले, जितने अवतार है उतने ही आप लोगों को बैनर देखने को मिलेंगे। तो भाई ये कुछ अपकमिंग आइटम्स थी जो कि आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट से मिल जाएगी। अभी गाइस चलो आप लोग काफी ज्यादा बोर हो गए होंगे, तो मैं चलो आप लोगों को हंसाने के लिए, आप लोगों का मूड फ्रेश करने के लिए एक मीम दिखा देता हूं, जो कि गाइस मैं काफी दिनों से आप लोगों को नहीं दिखाया। तो पहले आप लोग मीम देख लो, उसके बाद में हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो भाई ये जो दुख है ना वो वही समझ पाएगा जिनकी बड़ी सिस्टर है, जिनकी बड़ी दीदी है। भाई मेरे साथ एक बार ये घटना हो गई थी, मैं क्या हुआ, मेरा नेट खत्म हो गया एंड मैंने दीदी का हॉटस्पॉट किया। भाई अचानक से हॉटस्पॉट किया ना, तो भाई ऊपर यहाँ पर जो पैक है वो डाउनलोड होने लगा, मुझे भी पता नहीं था। एंड भाई उनका यहाँ पर जो डेटा है वो एकदम से खत्म हो गया। एंड भाई उसके बाद में मेरे को जो सुनना पड़ा वो तो भाई आपको तभी पता चलेगा जब आप लोगों के साथ ये घटना हुई होगी। मेरे साथ तो हुई है, आप लोगों के साथ हुई है कि नहीं हुई है मुझे बताना कमेंट करके। एंड आई होप आप लोगों को आज का मीम पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने दीदी के नाम पर अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर देना। अभी गाइस ये तो मैं आप लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हूँ, अपने हिसाब से कर देना ओके। अगर आप लोगों को पसंद आई है अभी तक वीडियो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना साथ ही में। इसके अलावा गाइस यहाँ पर बात करें हम लोग कुछ आने वाले अपडेट्स की, तो गाइस अभी आप लोग जैसे अपना गेम स्टार्ट करोगे तो गाइस उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर मैप का नाम शो हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने जैसे मैच स्टार्ट किया तो उसके बाद में मैप का नाम
यहाँ पर मेरे को शो हो गया। तो इस टाइप से आप लोगों को मैप का नाम भी अभी शो होगा, एंड जैसे आप लोग यहाँ पर लैंड करोगे तो उसके बाद में अभी आप लोगों को पता होगा कि एक आप लोगों को ग्लूवल मिलता है, लेकिन नेक्स्ट अपडेट से आप लोगों को डबल यूएसपी देखने को मिलेगी, प्लस आप लोगों को एक मेडिकिट मिलने वाली है। तो ये फीचर भी गाइज आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट से मिल जाएगी। अभी गाइज ये तो सारे मैं आप लोगों को फीचर बता दिया, कुछ आने वाली आइटम्स का रिव्यू करा दिया। अभी गाइज चलो हम लोग बात कर लेते वीडियो के मेन टॉपिक की कि यहाँ पर कौन कौन सी इवो गन हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो भाई जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि अभी 3 इवो गन तो पेंडिंग पड़ी है, इवो स्कार 2.0, इवो SC80 एंड इवो G80। तो भाई उनमें से ही कोई एक इवो गन आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांसेस है वो तो गाइज अपने इवो स्कार 2.0 के है, वो आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट से मिल जाएगी। मतलब गाइज जो अपना OB41 का अपडेट आने वाला है उसके अंदर इवो स्कार 2.0 आएगी। प्लस गाइज यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट के अंदर यहाँ पर ऐसी लीक्स निकल कर आ रही है कि इवो वुडपेकर को डिजाइन किया है। तो जी हाँ गाइज इवो वुडपेकर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसका भी आप लोग यहाँ पर अभी फिलहाल फोटो देख सकते हो। फुल रिव्यू तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फोटो आप लोग देख सकते हो इस टाइप का आप लोगों को, जो इवो वुडपेकर है उसका डिजाइन देखने को मिलेगा। टोकन भी आप लोग देख सकते हो, एंड इसके जो 7 इफेक्ट आने वाले जो कि हर इवो गन के अंदर आते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। प्लस गाइज यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट में आप लोगों को इवो ग्रोजा भी देखने को मिलेगी, जिसका मैं कल वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट अपडेट में आप लोगों को इवो ग्रोजा देखने को मिलेगी। तो भाई ये इवो ग्रोजा भी आएगी, लेकिन ये जो दोनों इवो गन में आप लोगों को दिखाया ना वुडपेकर एंड ग्रोजा, उसको गाइज आने में बहुत टाइम लगेगा। अभी जो पेंडिंग गन पड़ी है इवो स्कार 2.0, इवो SC80 एंड इवो G80, वो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो वुडपेकर एंड ग्रोजा की स्किन है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर वगैरह तो हम लोग कह ही नहीं सकते, बट जैसे मेरे पास अपडेट आएगी कुछ न्यू इवो गन की तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाय द वे आज की वीडियो के लिए बस गाइज इतनी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बाजू वाला जो बेल नोटिफिकेशन है उसे जरूर से प्रेस कर देना, ताकि गाइज मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।